दोस्तों, सीरियल किलर की कहानियाँ आपने तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी आइसक्रीम किलर के बारे में सुना है जो एक के बाद एक मर्डर करके लाश के टुकड़े कर फ्रीजर में रखती थी। आइए देखते हैं क्या है यह दिल दहला देने वाली मिस्ट्री। दोस्तों, यह मिस्ट्री है एक ऐसे आइसक्रीम किलर की जो अपने स्कूल के दिनों में टॉपर हुआ करती थी, लेकिन हालात ने उसे कातिल बना दिया। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको में एस्तिवालिज क्रांजा नामक एक लड़की का जन्म हुआ। बचपन में ही वह अपने परिवार के साथ मेक्सिको से स्पेन शिफ्ट हो गई। क्रांजा के पिता बेहद गुस्सेल थे, हर बात पर रोक टोक किया करते थे, जो क्रांजा को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्रांजा अपने क्लास की टॉपर लड़की हुआ करती थी, बावजूद इसके उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया। इस बात से क्रांजा हमेशा परेशान रहती थी। क्रांजा जब स्कूल खत्म करके कॉलेज गई तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया। पिता के फैसले के खिलाफ उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी का प्लान रचाया। कॉलेज के दिनों में ही क्रांजा ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली थी, लेकिन यह रिश्ता कॉलेज तक ही चल पाया। लड़के ने सगाई तोड़ दी, जिसके बाद क्रांजा टूट गई और उसने लड़के से बदला लेने का मन बना लिया। वह अपने मंगेतर को जान से मारना चाहती थी। इसके लिए क्रांजा ने अपने मंगेतर की कार का ब्रेक फेल कर दिया। हालांकि लड़का बच निकला। दिल टूटने के बाद परिवार से बढ़ती दूरी के कारण क्रांजा ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने स्पेन छोड़ जर्मनी जाने का फैसला किया। वहां एक आइसक्रीम पार्लर में उसकी नौकरी लग गई। नौकरी के दौरान क्रांजा की मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसका नाम होल्गर होल्ज था। दोनों में नजदीकियां बढ़ने के बाद प्यार हो गया। बिना समय गवाए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद होल्ज ने नौकरी छोड़ दी। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। पारिवारिक कलह के कारण दोनों ने जर्मनी छोड़ ऑस्ट्रिया जाने का प्लान बनाया। यहाँ वियना शहर में दोनों ने छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल दिया। ऑस्ट्रिया आने के बाद भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ। इसी बीच क्रांजा एक और शख्स के प्यार में पड़ गई, जिसका नाम मैनफ्रेड हिंटरबर्गर था। हिंटरबर्गर से मुलाकात के बाद वह अपने पति को धोखा देकर उससे मिलने लगी। इसी बात की भनक होल्गर होल्ज को लग गई। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद एक दिन किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान क्रांजा ने होल्ज को गोली मार दी। गोली लगने के बाद होल्ज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपने पति की हत्या करने के बाद क्रांजा ने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इसके बाद उसने लाश के कई टुकड़े किए। बाद में वह कंक्रीट का एक पेस्ट लेकर आई और लाश के टुकड़ों को टब में डालकर उस पर कंक्रीट का पेस्ट भर दिया। इसके बाद क्रांजा ने उस टब को फ्रीजर में डाल दिया। फिर मजदूरों की मदद से फ्रीजर को आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में रखवा दिया। आसपास के लोगों ने जब क्रांजा से उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह देश छोड़कर चला गया था। घटना को अंजाम देने के बाद क्रांजा हिंटरबर्गर के घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन यहाँ भी क्रांजा को धोखा ही नसीब हुआ। साथ रहने के बाद क्रांजा को पता चला कि हिंटरबर्गर का दूसरी महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध है। इस बात को जानने के बाद क्रांजा ने हिंटरबर्गर की हत्या का भी प्लान बनाया। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांजा ने रात का समय चुना जब हिंटरबर्गर सो रहा था। क्रांजा ने अपने पति की तरह हिंटरबर्गर को गोलियों से भून डाला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसी फ्रीजर को चुना जिसमें उसने अपने पति के लाश के टुकड़ों को रखा था। हिंटरबर्गर की हत्या के बाद क्रांजा की मुलाकात रोलैंड नाम के शख्स से हुई। दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों में ही क्रांजा प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने खुशी से जीवन बिताने का प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले उसका भांडा फूट गया। दरअसल आइसक्रीम पार्लर के पास वाली दुकान में पानी की कुछ दिक्कत हो गई। दुकानदार प्लम्बर को लेकर पानी की पाइपलाइन को चेक करने के लिए बेसमेंट में गया, जहां उसे ताला बंद मिला। इस बात पर दुकानदार को शक हुआ। उसने ताला तोड़ देखा तो वह दंग रह गया। दुकानदार ने देखा कि वहां तीन फ्रीजर और थोड़ा सा कंक्रीट दिखा। साथ ही उसे एक इंसानी टांग भी फ्रीजर से बाहर निकली दिखाई दी। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब फ्रीजर को खोला तो उसमें उन्हें हिंटरबर्गर और होल्ज की लाशें मिली। इस बारे में जानकारी मिलते ही क्रांजा
मौके से फरार हो गई, लेकिन वह बहुत दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से दूर न रह सकी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्रांजा पर केस चला। कोर्ट ने क्रांजा को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में जाने से कुछ महीनों बाद ही क्रांजा को एक बेटा हुआ, जिसे उसके पिता रोलैंड के पास सुपुर्द कर दिया गया। दोस्तों, यह थी कहानी आइसक्रीम किलर के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।